हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डेली लाइफ क्लास में। ईवीएस की बेटा क्लास हम लोग की चल रही है और आज हम लोग देखेंगे थिंग्स वी नो एंड डू ना थिंग्स वी नो डू एंड मेक। ठीक है, इसमें बेटा बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो जनरल नॉलेज के हैं, वो कोई स्पेसिफिक टॉपिक या चैप्टर के नहीं है। इसको तैयार कर पाना बहुत मुश्किल है। आप तैयार करना भी चाहते हो तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप देख लो कि किस तरीके के जो डांस वगैरह हैं वो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, या किस तरीके के जो म्यूज़िक है वो पूछा जा रहा है, फोक डांस, फोक म्यूज़िक, फोक पेंटिंग, इस तरीके की चीज़ें हैं वो आप तैयार कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उससे ही काम आपका हो जाएगा। लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के बेस के ऊपर क्वेश्चन है आपका, मतलब कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है जिसको कहा जा सके कि ये कर लोगे तो आपके 100% क्वेश्चन हो जाएंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस जो क्वेश्चन पेपर एड्रेस करेंगे, जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस है उसमें हम लोग उन बेसिक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो पहले थे उनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं और चांसेस है कि वो फिर से रिपीट हो जाएं, इसलिए हम लोग उन बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स की बात कर लेंगे। और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ दो तीन क्वेश्चन तो इसमें से फंस ही जाएगा बेटा, निश्चित फंस जाएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने की उम्मीद है। ठीक है, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए फार्मर, कोई फार्मर है जो चाहता है क्या कि धान से अपने अनाज अलग कर ले। धान होता है ना, धान और अनाज वो अलग अलग करता है, तो उसको कैसे करेंगे। दिस कैन बी अचीव्ड बाय द प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। बेटा देखिए, सीधी सी बात है, इसको मैं आपको, जो गांव के लोग हैं वो तो समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, धान चावल, लेकिन जो शहर के बच्चे हैं उनके समझने में दिक्कत हो रही होगी, उनको नहीं पता होगा सारी चीज़ें, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा जब अनाज निकलता है तो अनाज जैसा चावल आप व्हाइट खाते हो वैसा नहीं निकलता है, वो ब्राउन ब्राउन कलर का रहता है, उसको धान कहते हैं। उसमें बहुत ढेर सारी इंप्योरिटीज होती है, उसको वहां से अलग करना होता है। ठीक है, उसको उस प्रक्रिया को अलग करने की प्रक्रिया के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे हम अलग करेंगे। ठीक है, तो बेटा उस प्रक्रिया को हम कहते हैं विनोइंग, विनोइंग कहते हैं बेसिकली। विनोइंग में क्या होता है कि एक आदमी होता है वो ऐसे ऊपर में धान लेके खड़ा हो जाता है और यूं 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 ऊपर से गिराता है, और जो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कई बार फैन लगा दिया जाता है, हवा चल रही होती है। ठीक है, जब हवा चल रही है तो जो भारी दाना है यानी अनाज है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और जो हल्की हल्की इम्प्योरिटीज है, जो हल्की हल्की इम्प्योरिटीज है वो आगे की तरफ उड़ जाएगी। इसको, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विनोइंग। ठीक है, फटकना, जैसे आपने देखा भी होगा घर में अक्सर मम्मी दादी लोग जो होती हैं वो यूं चावल को फटकती हैं, उसको फटकने के बाद उसको बनाती है ताकि कंकड़ वगैरह अलग हो जाए, वही क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ। इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, अब ये समझिए, आप समझ लो कि कौन से किताब में इस तरीके की बातें बताई हुई है। ठीक है, ये आपको समझने की चीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब टीचर कोई टॉपिक बता रहा है फ्रिक्शन पे, फ्रिक्शन बेटा घर्षण कहते हैं, घर्षण का मतलब क्या होता है, एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, ये दो दो सरफेस है, एक सरफेस ही एक सरफेस ही है, और दोनों को जब रगड़ते हैं तो इसके बीच में घर्षण प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जब माचिस है, माचिस की तीली को आप माचिस के उसके ऊपर आप रगड़ते हो तो आग निकलती है, वो आग क्यों निकलती है, घर्षण से रिलीज होती है। जो आप चल रहे हो और अगर जमीन स्लिपरी है, ठीक है, स्लिप करती है जब, तो आपके पैर से और जमीन के बीच में घर्षण नहीं हो पाती, इस वजह से आप गिर जाते हो। ठीक है, घर्षण का ये खेल है। ठीक है, फ्रिक्शन, क्लास 5 का स्टूडेंट है, टीचर का जो नंबर देता है एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल से समझा रहा है कि फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो फ्रिक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, वी आर एबल टू राइट ड्यू टू फ्रिक्शन, देखिए मैं लिख रहा हूँ तो यानी कि ये जो बोर्ड है और ये जो मेरा पेन है इसके बीच में क्या घर्षण हो रहा है, इस वजह से ये लिखा जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। यार ब्लैक बोर्ड के ऊपर टीचर लिखता है चौक से ना, तो चौक और बोर्ड के बीच में घर्षण होता है। कई बार आपने देखा होगा कि टीचर लिख रहा है लेकिन छूट गया, बीच में कोई अक्षर नहीं दिख रहा है, वो रीजन ये होता है कि वो बोर्ड का सरफेस बहुत स्लिपरी है तो वहाँ फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस हो पाई, इस वजह से चौक वहाँ पर नहीं लग पाई, ये फ्रिक्शन की कहानी है। वी आर एबल टू वॉक, अभी मैंने वॉक का एग्जाम्पल आपको बताया ही है। ए व्हीकल स्टॉप ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जब आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक और जमीन की जो पहिया है और जो जमीन है उसके बीच में घर्षण प्रोड्यूस होता है, इस वजह से ब्रेक लगाने से पहिया रुक जाता है। अगर जमीन स्लिपरी है, या मान लो कि आप बर्फ के ऊपर ड्राइव कर रहे हो तो आपका पहिया नहीं रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि घर्षण नहीं है वहां पे, फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये वाला जो एग्जांपल है कि अगर कोई चीज को हवा में आप उछालोगे तो नीचे आ जाएगी, बेटा ये फ्रिक्शन का नहीं, ग्रेविटी का एग्जांपल है, ग्रेविटी का एग्जांपल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल का एग्जांपल है। अगर कोई भी चीज, अगर मैं इस पेन को यूं फेंकूंगा ये नीचे वापस से आ जाएगी, क्यों, क्योंकि नीचे से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वो इसको पेन को नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन का एग्जांपल नहीं, तो ये एग्जांपल देके आप फ्रिक्शन को नहीं समझा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ द सैंड एंड सॉल्ट, बालू और पानी, सैंड और सॉल्ट का कोई मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें बालू है
और नमक है, उसको अलग करने के लिए चार प्रक्रिया दी गई है। कौन सी प्रक्रिया एक के बाद एक करना सही रहेगा? ठीक है, कौन सी प्रक्रिया? कोई मिक्सचर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपका यहां पे कोई बीकर है, ठीक है, ठीक है, वो उस बीकर में आपको आपका क्या है, सैंड है और सॉल्ट है, सैंड है और सॉल्ट है, ठीक है। अब वो पानी में मिला, पानी पानी के अंदर ही मिक्सचर बनता है, तो मिक्सचर को पानी में मिला रखा है, बालू को और सैंड को, तो क्या होगा जब पानी में आप मिलाओगे तो नमक तो पानी में घुल जाएगा, ठीक है, और बालू के पार्टिकल जो है नीचे बैठ जाएंगे, नीचे सैंड हो जाएगी, सैंड यहां होगी और सॉल्ट यहां पानी में घुल जाएगा, घुल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इस बीकर को उठा के किसी हल्का सा यूं पलट दोगे किसी और ग्लास में, तो ये जो पानी है जिसमें नमक घुला हुआ है ये निकल जाएगा, नीचे क्या बचेगी, सैंड बचेगी, ठीक है। पहले प्रोसेस को क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन, और दूसरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, दूसरे प्रोसेस को बेटा कहेंगे डिकेंटेशन, दूसरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिकेंटेशन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या कहेंगे, हम लोग फिल्टर पेपर का यूज कर लेंगे, फिल्टर पेपर का छलनी टाइप का यूज कर लेंगे, तो सैंड के मोटे मोटे पार्टिकल हैं वो छलनी से अलग कर लेंगे और नमक को अलग कर लेंगे, ठीक है, जो बचा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, जो बचा हुआ पानी है जिसमें नमक घुल गया है उसको धूप दिखा देंगे, तो वो पानी नमक के साथ उड़ जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा, पानी उड़ जाएगा, तो नमक अलग हो गया, बालू अलग हो गई, ठीक है। ये प्रोसेस से, ये जो प्रोसेस है सेडिमेंटेशन, सबसे पहले हमने क्या किया, सेडिमेंटेशन किया, फिर मतलब यानी कि सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी ग्लास में बालू मिला दो और रात भर के लिए रख दो, आप सुबह देखोगे जो बालू है वो नीचे जम गई, जम जाएगी बेस में, उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, तलछट में चीज़ों को जमना उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। बालू नीचे जम गई, ऊपर का जो पानी है दूसरे में डाल दिया, उसको क्या किया है, डिकेंटेशन कहेंगे। फिर उसके बाद क्या है, उसको छलनी से छान लिया, तो जो मोटे मोटे कण हैं वो अलग हो गए, पानी नमकीन अलग हो गया, और फिर गर्म पानी को गर्म कर दिया तो पानी उड़ गया, पीछे क्या बच गया, नमक बच गया। तो ये प्रोसेस आपकी सही है, ये आंसर सही है। इसका बेटा कोई तरीका नहीं है कि कोई बुक नहीं है, आपको दिमाग ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बुक या कोई थ्योरी नहीं है कि जो मैं बता दूं, ये बड़े डाइवर्स किस्म के क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना इस टॉपिक में। मधुबनी पेंटिंग के बारे में बेटा क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग जो है बेटा बेसिकली बिहार से आती है, ये आप एग्जाम्पल देख लो, ऐसे ही मधुबनी पेंटिंग दिखती है, आदमी आदमी होते, थोड़ा गाँव देहात का परिवेश को और भगवान वगैरह को भी इसमें पेंट किया जाता है, ठीक है। इसका इसको बनाते कैसे, टू मेक दिस पेंटिंग इंडिगो, इंडिगो यानी वॉयलेट, टर्मरिक यानी पीला। बेटा बेसिकली क्या है, कलर्स जो है पहले जो है, आज के टाइम पे तो केमिकल से बनाए जाते हैं, बट पहले क्या होता था, वो सब्जियों से ही कलर निकाले जाते थे, हरी सब हरा पत्ते से हरे कलर निकालते थे, पीला चाहिए तो हल्दी से निकाल लिया, ठीक है, लाल चाहिए तो लाल मिर्च लगा दिया उसमें, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए इंडिगो टर्मरिक जैसे कलर को यूज किया जाता था, पेड़ों से और फूलों से। द पेंटिंग शो ह्यूमन, ह्यूमन बिल्कुल शो करती है, एनिमल होते हैं, ट्री होते हैं, फ्लावर होते हैं, बर्ड होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। इट इज़ वेरी ओल्ड फोक पेंटिंग ऑन द नेम ऑफ द प्लेस कॉल्ड मधुबनी, मधुबनी बेटा बिहार में है, ठीक है। लेकिन ये चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, राजस्थान में, राजस्थान में नहीं बेटा, मधुबनी बिहार में, यानी कि ए बी सी ऑप्शन आपका सही हो गया और डी ऑप्शन आपका गलत है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग आप देख सकते हो। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली बेटा ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर पूछता रहता है, आप याद कर लो, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग डिवाइड नहीं हुआ था, 2014 में तेलंगाना का जन्म हुआ, आंध्र प्रदेश को दो हिस्से में काट दिया गया, हैदराबाद की तरफ का जो इलाका है वो आंध्र प्रदेश से अलग हटके 2014 में तेलंगाना एक नया स्टेट इस्टेब्लिश कर दिया गया, केसी राव, केसी आर जो है वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, टीआरएस की गवर्नमेंट है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश तो उसको अलग कर दिया गया, और जो हैदराबाद का इलाका है जो कैपिटल था आंध्र प्रदेश की वो तेलंगाना में आ गया, तो हैदराबाद इज नाउ कैपिटल ऑफ तेलंगाना। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो पोचमपल्ली वाज पार्ट ऑफ आंध्र, पोचमपल्ली बेटा एक गांव है जो 50 किलोमीटर की दूरी पे है हैदराबाद से, लेकिन इस आंसर में तो तेलंगाना है ही नहीं, क्योंकि 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर ये क्वेश्चन आज पूछा जाता तो तेलंगाना इसका ऑप्शन सही होता, ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रेल स्क्रिप्ट, बेटा ब्रेल स्क्रिप्ट का मतलब ये है, लुई ब्रेल ने एक स्क्रिप्ट का खोज किया कि अंधे लोगों के लिए, कि अंधे लोग भी पढ़ सके। अंधे लोग का पढ़ने का क्या तरीका है उनका, उनका तरीका ये होता है, ब्रेल स्क्रिप्ट की फोटो यहाँ पे नहीं डाली है, मैं जरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे लाइन्स रहती हैं, ठीक है, और अलग अलग जगह पे
उभरे उभरे डॉट्स होते हैं, ठीक है। वो अंधे लोग क्या करते हैं, देख तो सकते नहीं है, तो इसी के ऊपर यूं हाथ फिराते हैं और जो उभार है उसको महसूस करते हैं, और वो उभार से ही वो पहचानते हैं कि अक्षर क्या लिखा हुआ है। तो उनकी जो स्क्रिप्ट है वो आप देखो कि कभी डॉट 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 रहती है, वो ABCD प्रॉपर नहीं लिखा रहेगा, डॉट्स के फॉर्म में रहती है। जैसे अगर आपने मूवी देखी होगी ब्लैक मूवी में रानी मुखर्जी क्या है, अंधी थी, तो अगर उसको आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन पढ़ाने की कोशिश करता है तो ब्रेल स्क्रिप्ट से वो पढ़ाता है। वो क्या करता है, ब्रेल स्क्रिप्ट से पढ़ाता है, अंधों के लिए ये काम होता है। तो ब्रेल इज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग डॉट्स, बिंदु बनाए जाते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 8 पॉइंट, बेटा 8 नहीं 6 पॉइंट होते हैं, 6 डॉट्स का मदद लेके 3, 4, 5, 6 इनकी अलग अलग लोकेशंस को परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाते रहो और आपके 26 अक्षर बन जाएंगे। ये ब्रेल की टेक्निक है। ब्रेल में अगर ए लिखना है तो इसके 6 डॉट्स को इस तरीके से रखे जाते हैं कि इसको ए माना जाए, फिर डॉट की पोजीशन को चेंज कर दिया तो वो बी हो गया, फिर चेंज कर दिया तो सी हो गया। डॉट का खेल है ब्रेल में। टोटल कितने डॉट होते हैं, 6 डॉट होते हैं, 8 नहीं होते हैं। बी ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि बी गलत है, आपका ACD गलत, ACD सही है। क्या कैसे किया जाता है, फिंगर्स को डॉट्स के ऊपर चला के पढ़ते हैं। रो कैसे बनाई जाती है, पॉइंटेड टूल से रो बनाई जाती है। रो मतलब पंक्तियों में लिखे होते हैं ये डॉट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रॉन्ज बेटा बहुत फेवरेट मेटल है, जो इनका सीटेट वालों का भी और PCS में भी ब्रॉन्ज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ब्रॉन्ज की प्रॉपर सभ्यता जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पहला मेटल यूज हुआ है वो ब्रॉन्ज यूज हुआ है। ब्रॉन्ज का बारे में और बता दूं, ब्रॉन्ज इज ए कॉम्बिनेशन, ब्रॉन्ज इज ए अलॉय। ब्रॉन्ज नेचुरली किसी माइन से खोद के नहीं निकाला जाता है। माइन से क्या निकलेगा, कॉपर निकलेगा और टिन निकलेगा, और जब टिन में 85% कॉपर में अगर 15% टिन आप मिलाओगे वो बन जाएगा आपका ब्रॉन्ज, ठीक है। तो जो ब्रॉन्ज जो बनता है बेटा वो कॉपर का बनता है और टिन का बनता है, ये आप याद रखो, कॉपर का और टिन का बनता है। जिंक का नहीं बनता, आयरन का नहीं बनता, अल्मोनियम का नहीं बनता है, ठीक है। ब्रेल स्क्रिप्ट में रो रेस होती है मेक ऑफ द थिक पेपर बेस्ड ऑन कितने, अभी थोड़ी देर पहले बेटा मैंने बताया कि 6 पॉइंट की कॉन्सेप्ट है ब्रेल जो है, ब्रेल स्क्रिप्ट जो है अंधों की, जो अंधे लोग हैं उनको पढ़ने के लिए जो स्क्रिप्ट है वो 6 पॉइंट्स पे निर्भर करते हैं, 6 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से, 6 डॉट से बनी हुई होती है। याद रखो, आपके क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। कोई किसान है, वो ग्रो कर क्या कर रहा है, उपजा रहा है, क्या क्रॉप्स उपजा रहा है, बार बार एक ही जगह पे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करके, कीटनाशक और खाद यूज करके, वो क्या, उससे क्या होगा, उस फील्ड के ऊपर क्या असर होगा। बेटा देखिए, जैसे हमारी कैपेसिटी है, हमारे शरीर में एक निश्चित अमाउंट में मिनरल है, उसी तरीके से सॉइल में भी निश्चित अमाउंट में मिनरल है। अगर आप बार बार उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करो, जैसे अनाज आपने लगाया तो अनाज को पोषण कहाँ से मिला, पानी जो बस आपने डाला, लेकिन जो अंदर का जो सॉइल है उसका जो मिनरल्स है उसी को खींच के तो अनाज बड़ा हो रहा है। तो आप बार बार खींचोगे तो क्या होगा, वो धरती बंजर हो जाएगी। इसीलिए क्या कहते हैं कि आप साइकिल करो, क्रॉप साइकिल करो। एक बार अगर आप एक तरीके का अनाज उगा रहे हो तो दूसरी बार अलग तरीके का अनाज उगाओ, तीसरी बार अलग तरीके का अनाज उगाओ, अगर आप उस जगह को उपजाऊ चाहते हो कि वो बनी रहे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, बैरन हो जाएगी। अगर आप बार बार एक जगह पे कोई पैडी को बार बार, पैडी मतलब क्या, राइस को पैडी भी कहते हैं, ठीक है, पैडी को राइस को पैडी भी कहते हैं। तो राइस की फसल को अगर बार बार उगा रहे हो एक जगह पे तो वो जगह निश्चित बंजर हो जाएगी। ये गांव के लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर आप अपने बुजुर्ग आपके घर में होंगे, आपके पापा मम्मी दादा दादी होंगे, आप उनसे पूछना, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों बेटा हम लोग, अगर हमारे पास खेत है तो हम एक ही फसल को बार बार क्यों नहीं उगाते हैं। क्या कहते हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट उगाओ, जो पल्सेस हैं उनको उगाओ। पल्सेस के उगाने से क्या होगा कि वहां पे लेग्यूमिनस प्लांट जो है वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेसिंग फिक्सेटिंग बैक्टीरिया होता है, वो हवा से नाइट्रोजन को के अमाउंट को सॉइल में बढ़ा देता है, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होगे आप लोग, ऐसे ही बंजर हो जाएगी, ये बंजर हो जाएगी, ठीक है। नीता जा रही है, कहां जा रही है, आंध्रा जा रही है, क्या खरीदती है, साड़ी खरीदती है। बेटा ये क्वेश्चन अब कल जो है ये डिटेल में और बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। 16-15 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है, बाकी के 7-8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, वो हम लोग अगले वीडियो में और उसके साथ बायोडाइवर्सिटी को लेके आएंगे, बायोडाइवर्सिटी और इसके बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग एड्रेस कर लेंगे अच्छे से, और आपका EVS ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप, मतलब मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ कि इंग्लिश शुरू करूँ, हिंदी शुरू करूँ कि मैथ शुरू करूँ, आप कमेंट में करके मेरे को बताओ कि क्या शुरू करना ज़्यादा सही रहेगा, आप क्या चाहते हो, उसी के हिसाब से जो आपको रिक्वायरमेंट है, हमारा तो काम वही उसी को प्रोवाइड करना है, ठीक है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो, समझो, को समझ में आया हो आपको तो आप सब्सक्राइब भी करो इस चैनल को, ताकि हम लोग कभी भी वीडियो आए, लाइव वीडियो डालें, लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। इससे क्या होगा कि आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और हमको भी मोटिवेशन मिलेगा।